इस अनुमान में जब तक आप में वो संदेह वाली हालत नहीं है तब तक आप भी सच नहीं कर सकते। मैं संदेह इसलिए जोड़ रहा हूं, किताबों में जाएंगे नहीं मिलेगा। क्यों? अनुमान जब आपने किया जरूरी नहीं है, ढेरों अनुमान बाद में आप भूल जाते हैं। जवाब दो जी अर्शी अर्शी मने आऊ लागे छे, आप याद करिए, क्या उसके सच का पता लगाए? नहीं, आऊ लागे छे करी नहीं। जिंदगी में न जाने कितनी चीजों को छोड़ देते हैं। तो रिसर्च आप वो कर पाएंगे जिस अनुमान के भीतर संदेह आप में शामिल होगा, वह आपको बेचैन करेगा और आप रिसर्च करके ही दम लेंगे। तो अनुमान मुख्य आधार है, मान का अनुकरणा पीछा करना। तो माना सोना है तब उसकी सफाई, लेकिन कोई भी सोने की सफाई नहीं, इसलिए सोने की खोज, सोने से संबंधित ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तो साहित्य में जब खोज करेंगे किसी भी विषय, चाहे नाटक चाहे कहानी, तो नाटक या कहानी किसकी, उसमें क्या, यह जब पढ़ लेंगे, यानी जिस लेखक की कहानियां कई बार पढ़ेंगे, तब आपके भीतर अनुमान पैदा होगा। मने लगे छे कि आमा आदमी समस्याओं ना समाधान ना बधारी तरीका छे। मने लगे छे आनी अंदर मारी ज समस्या छे। यह जब तक आपको नहीं लगेगा तब तक आप रिसर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब रिसर्च करने के लिए जरूरी है कि जहां जिस भी विषय में हम कर रहे हैं उसमें हम खुद पढ़े हो, तब हमारे मन में अनुमान पैदा होगा और तब हम उसकी खोज के लिए प्रेरित होंगे। अब इसके बाद क्या जरूरत रहेगी? मैंने सांप वाली और रस्सी वाली में बार बार वहां आऊंगा, इसलिए कि इसे हर कोई देख सकता है और संस्कृत साहित्य में तो यह न जाने कितनी बार उद्धृत होगा यह उदाहरण, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित यह उदाहरण। अब वह जो रस्सी थी या सांप था, उसका आकार ध्यान रखेंगे, आकार यानी देह कैसा लगा? सांप जैसा। इसलिए सांप है कि रस्सी है, इसको हम कहते हैं समदेह, यानी देह जारे सरखी थी जाए, आकार जब एक हो जाए वही संदेह। आकार के भीतर क्या है, यानी वो रस्सी के भीतर क्या है और सांप के भीतर क्या है, इसी का हम पता लगा। संदेह अहंकार जो हम बोलते हैं उच्चारण करते हैं म का, लेकिन है वो म, सम यानी बराबर, देह यानी शरीर, आकार दो समान आकार आपने नहीं खाए थे। संदेह थी जाए कि भ्रम थी जाए आ मानस एम जेवा घनी वक्त जेने कंधा पर हाथ कर देंगे केम स्वामी वाला आम जोश आश्चर्य पड़ेंगे ऐसा कैसे वर्तन करेगा, तब ख्याल आएगा कहेंगे अरे अरे हूँ फलाना मानस समझे तुम्हारा जेव जो यमुना चेहरा तुम्हारा जेव
इच्छा होता है कि नहीं होता है, या समदेह है। लेकिन भीतर का गुण दोनों का अलग होगा। दो व्यक्तियों के, दो वस्तुओं के, दो जीवों के आकार एक हो सकते हैं, गुण कभी भी एक नहीं। एक ही पेड़ का आम, दो आम लीजिए खाइए, हम आम नहीं बता पाएंगे, हमें एक ही जैसा लगेगा। लेकिन जो लोग टेस्ट के एक्सपर्ट होते हैं, या जो चाय इत्यादि